सुजानपुर नगर परिषद के अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए पांच पार्षद एकजुट हो गए हैं। भाजपा समर्थित नगर परिषद सुजानपुर के अध्यक्ष को हटाने के लिए और उनके स्थान पर फिर से भाजपा समर्थित अध्यक्ष को काबिल करने हेतु पांच पार्षद उपायुक्त हमीरपुर से मिलने के लिए चले गए हैं। सुजानपुर नगर परिषद के अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए पांच पार्षद एकजुट हो गए हैं। भाजपा समर्थित नगर परिषद सुजानपुर के अध्यक्ष को हटाने के लिए और उनके स्थान पर फिर से भाजपा समर्थित अध्यक्ष को काबिल करने हेतु पांच पार्षद उपायुक्त हमीरपुर से मिलने के लिए चले गए हैं। हैरानी की बात यह है कि जो पांच पार्षद नगर परिषद अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने गए हैं, उनमें तीन पार्षद भाजपा समर्थित हैं, जबकि दो कांग्रेस के पार्षद हैं। अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले पार्षदों में नगर परिषद के कांग्रेस समर्थित पूर्व अध्यक्ष मनोज ठाकुर, भाजपा समर्थित पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष रमन भटनागर, वर्तमान में भाजपा समर्थित नगर परिषद उपाध्यक्ष कमलेश कुमारी, भाजपा समर्थित पार्षद सुमन अटवाल और कांग्रेस समर्थित पार्षद अनीता कुमारी शामिल हैं। पांचों पार्षदों ने नगर परिषद कार्यालय में नगर परिषद उपाध्यक्ष कमलेश कुमारी की अगुवाई में बैठक आयोजित की। विधिवत प्रस्ताव डालकर अध्यक्ष अशोक मेहरा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने पर मोहर लगाई। इसके साथ साथ बैठक में कुछ एक विकास कार्यों पर भी चर्चा हुई। नगर परिषद के पूर्व भाजपा समर्थित अध्यक्ष रमन भटनागर ने कहा कि वर्तमान में जो नगर परिषद अध्यक्ष हैं, उनके कार्यों से असंतुष्ट होकर उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। वर्तमान में भाजपा समर्थित अध्यक्ष नगर परिषद सुजानपुर में काबिज है, भविष्य में भी भाजपा समर्थित नगर परिषद अध्यक्ष सुजानपुर में काबिज होगा। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के आशीर्वाद से ही नए अध्यक्ष की तैनाती की जाएगी। अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है जिसमें पांच पार्षदों की सहमति है। सुजानपुर वार्ड नंबर 7 की पार्षद सुमन अटवाल ने कहा कि सुजानपुर नगर परिषद के अध्यक्ष मनमाने ढंग से काम कर रहे हैं और किसी भी पार्षद से विकास कार्यों को लेकर कोई चर्चा नहीं की जा रही है, जिसको देखते हुए सभी ने अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का मन बनाया है। है कि जो हमारे प्रधान है नगर परिषद सुजानपुर के, वो अपने 5-6 महीनों से अपने मनमाने तरीके से काम चला रहे थे और किसी भी पार्षद को अपने साथ नहीं चला रहे थे। यहाँ तक कि जो 22 उप प्रधान है उनको भी वो अपने इसमें विश्वास में नहीं ले रहे थे, और कहीं भी काम वगैरह कोई हो रहा था तो वो अपने ही तरीके से काम करवा रहे थे, जिससे कि हम लोग 5 खपाए और हमने उसकी जो थी वो कॉपी वो मुझे को दे दी। आपका नाम क्या है और कौन से? सुमन अटवाल, वार्ड नंबर 7। आज हमने 5 पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव लिया है, परंतु मैं आपके ध्यान में बात लाना चाहता हूँ कि ये नगर परिषद पहले ही भी बीजेपी की थी और अब भी जो हमारा प्रधान बनेगा वो बीजेपी का ही बनेगा। इसमें पूरा पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी का आशीर्वाद रहेगा और पार्टी का हम झंडा पूरा बुलंद रखेंगे। पहले जब जैसे हमारी पार्टी सरकार बनी थी, जब हमारी सरकार नहीं थी बीजेपी हिमाचल में, तब भी हमने झंडा पार्टी का फहराया था और भी हम पार्टी का झंडा फहराएंगे। बाकी जो होना, ये जो समस्या में आई जो प्रधान है अशोक मेहरा, ये किसी भी पार्षद की सुनता नहीं है और अपनी मनमर्जी काम करना, अपनी सरकार होते हुए भी सुजानपुर में इसने को ज्यादा काम नहीं करवाए। जो मैंने 2.5 साल में जब मैं अध्यक्ष था, कम से कम 1.5-2 करोड़ के काम कराए थे, परंतु इसके लगभग 25-30 लाख के भी काम जो है अभी अधूरे पड़े हैं और कोई भी काम जो इसका समय पर शुरू नहीं होता है। इसी कारण सभी पार्षदों ने रुष्ट होकर जो है अविश्वास प्रस्ताव हम लेकर आए हैं और जल्द ही अब डीसी साहब से जो भी डेट आएगी, हम अपना ही पार्टी का बीजेपी का ही अध्यक्ष बनेंगे।